ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न इस्तारक्षो आरिष्टनेमी स्वस्ति नोम बृहस्पतिर्ददातु पयः पृथिव्यां पयोहदीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिश संतु मह्यं विष्णोरराटमसि। खुश रहो, मुबारक हो, मुबारक मुबारक, शादी की बर्बादी, मौत की वादी, सब कुछ मुबारक। यू ब्लडी बास्टर्ड सर, यही है वो कमीना राधा के बाप का कातिल। मुझे गालियों का जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि आग पेट्रोल को नहीं छोड़ती, नेवला सांप को नहीं छोड़ता, और जब मैं पैसों का हिसाब जोड़ता हूँ तो मैं अपने बाप को नहीं छोड़ता। इसलिए आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं छोड़ूंगा। यू बास्टर्ड सर, आप खामोश क्यों सर? तूफान आने से पहले बला की खामोशी छा जाती है शाम। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने यमराज को ब्रह्मा समझा, मौत को जिंदगी समझा, मझधार को किनारा समझा। मेरी आंखों को गौर से देख, इनमें तुझे तेरी चिता की जलती हुई आग दिखाई देगी, तुझे तेरी अस्थियों की राख दिखाई देगी। तेरी जिंदगी को मैंने जिस खाक में मिला दिया, तुझे वो खाक दिखाई देगी। ओह आई सी, तो जुड़वा भाइयों की कहानी एक फरेब था। वो तो इस कहानी का एक जबरदस्त मोड़ था, और अगर वो मोड़ तुम्हें पहले से पता लग जाता तो हमारी कहानी में गड़बड़ हो जाती ना भाई, हो जाती कि नहीं? हरामजादे मैं तुझे, हाँ उछलो और जोर से उछलो। कटने से पहले हर बकरा उछलता है, बुझने से पहले हर दिया फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता। तो तुम ही सब मेरे बाप के कातिल हो, सही पहचाना। अब तू अभिमन्यु की तरह महाभारत से भी बड़े चक्रव्यूह में फंस गया है। धर्म और कानून की नजरों में राधा तेरी पत्नी बन चुकी है, और सबूत के तौर पर हमारे पास वीडियो कैसेट है। अब तेरा सब कुछ राधा का हो जाएगा दुनिया की नजरों में, पर तेरी जायदाद के असली मालिक हम होंगे, हम। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। बब्बर, ले जाओ इसे, और इसे भी बिल्कुल उसी तरह खत्म कर दो जिस तरह इसके बाप को खत्म किया था। और इसकी मौत भी कत्ल नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। मेरी शाम को छोड़ दीजिए, मेरी शाम को छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी शाम को छोड़ दीजिए। ले जाओ इसे। अरे राधा, शाम की हत्या नहीं होगी तो तुम विधवा कैसे बनोगी? तुम विधवा नहीं बनोगी तो शाम की सारी दौलत तुम्हारे नाम कैसे होगी? और शाम की सारी दौलत तुम्हारे नाम नहीं होगी तो हमारी दौलत कैसे होगी? इसलिए शाम का मरना बहुत जरूरी है। बंद कर दो इसको भाई, बंद कर दो। जाओ जाओ, ले जाओ, ले जाओ इसे, ले जाओ, लो लो, जाओ जाओ। उस दिन मैं नशे में था और तूने मेरी हालत खराब कर दी थी। आज तू मेरे पंजे में है और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे ओ कबूतर, अब नहीं करेगा गुटरगूं। आज मैं तेरी जिंदगी की गुटरगूं ही खत्म कर दूंगा। सबसे पहले मैं गाड़ी पर पेट्रोल छिड़कूंगा, उसके बाद मैं तुझ पे पेट्रोल डालूंगा, फिर माचिस से आग लगाऊंगा, उसके बाद मैं गाड़ी को पानी से नीचे फेंक दूंगा। तेरी मौत एक कत्ल नहीं, एक्सीडेंट होगा। अबे वो फेंकता क्या है, मारेगा क्या? Oh!
अरे बात तो मरने की है ना, चाहे पहाड़ से गिरकर मरे या कार में जलकर मरे, मगर मरने से पहले शाम अपने खून से हमारी नई किस्मत लिख गया। चलिए उसकी मौत का जश्न मनाते हैं। अरे फोन भी बज गया शायद। हेलो, हम जिवागो बोल रहे हैं, हसमुख को फोन दो। जिवागो साहब। हेलो हेलो, कौन? हसमुख। जिवागो साहब, आप हिंदुस्तान में और हमें खबर तक नहीं। आंधी तूफान और जलजले खबर देकर आते हैं, मगर हम इन सब से 10 कदम आगे हैं। हम 3 साल से हिंदुस्तान में हैं और अब तक किसी को कानों कान खबर तक नहीं। सिबागो साहब, जरूर जुर्म की दुनिया में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है या कोई नई हलचल। हलचल और भूचाल नहीं, इनकलाब आने वाला है। हम दुनिया के सबसे बड़े खजाने की चाबी बना रहे हैं। सबसे बड़ा खजाना? तुम तो हमारे तेवर जानते हो हसमुख। हमारी नजरें हमेशा आसमान के सितारों पे रहती है, जमीन की धूल हमें पसंद नहीं। जी जी, जानता हूँ जानता हूँ, आप छोटी मोटी मछलियों का शिकार थोड़े ही करते हैं, इसलिए तो आप जिवागो हैं। जिवागो द ग्रेट, जिवागो द ग्रेट। यस यू आर राइट, जिवागो इज ग्रेट। वैसे जिवागो साहब, आपके दर्शन कब हो रहे हैं? सर, 2 डॉक्टर यहाँ से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे थे, हम लोगों ने उनको पकड़ लिया है। होल्ड ऑन हसमुख। जी होल्ड करता हूँ। हो गए, कब तक हमें अपनी कैद में रखोगे? जब तक जिवागो तुम्हें आजादी के पंख न लगा दे तब तक। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं ठहरेंगे। हमें किसी भी कीमत पर अपने घर जाना है, अपने बच्चों के पास जाना है। जाना है तो ठीक है। एक गया, दूसरा भी गया। मिस्टर जिवागो, ये क्या किया आपने? जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम लोग यहां से घर नहीं, सिर्फ परलोक जा सकते हो। मिस्टर जिवागो, आपके खजाने की चाबी कल तक बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर, अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। जाओ अपना काम करो, जाओ। थैंक यू हसमुख, तुम कल आकर हमसे मिलो। जी जी जिवागो साहब, जो हुक्म। हसमुख, खजाना विदेश में है लेकिन उसकी चाबी बना रहे हैं अपने देश में। लेकिन जब तक असली चाबी का पता नहीं चल जाता तब तक नकली चाबी का कोई फायदा नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। जिवागो साहब, ये असली नकली चाबी का चक्कर क्या है? 3 साल पहले हमें उस खजाने का पता चला, उसके बाद उसकी डुप्लीकेट चाबी भी मिल गई। सिबागो साहब, डुप्लीकेट चाबी मिल गई? हाँ, डुप्लीकेट चाबी। उसे तराश तराश कर हमारे डॉक्टरों ने बिल्कुल ओरिजिनल बना दिया है। आओ हमारे साथ, तुम्हें दिखाते हैं। डॉक्टर, खोल दो पट्टियां। यस सर। लाइट्स ऑन करो। पापा, ये तो इंसान है, चाबी नहीं।
मगर यही है वो बेशुमार बेपनाह दौलत के खजाने की चाबी। इसका एक हमशक्ल है, श्याम, श्याम फ्रॉम लंदन। मैं उस श्याम की जगह इस घनश्याम का इस्तेमाल करूंगा, उस श्याम की हत्या करूंगा और उसकी जगह इस घनश्याम को बिठाकर उसकी सारी दौलत पे ऐश करूंगा। कैसी लगी ये चाबी? जिबागो साहब बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आपने, तो कमाल कर दिया। मगर असली चाबी, मेरा मतलब है वो श्याम, इन्हीं वादियों में किसी लड़के के लिए दीवाना बना घूम रहा है। हमने अपने आदमी उसके पीछे लगा दिए हैं, आज नहीं तो कल श्याम का खेल खत्म हो जाएगा। और ये घनश्याम श्याम की जगह ले लेगा, पहले मैं जरा अपना थोपड़ा तो देखूं। अरे वाह बाप, अरे तू तो घनश्याम से एकदम श्याम बन गया है बड़े। ए जिबागो सेठ, अपन तो एकदम श्याम बन गए लाइव फ्रॉम लंदन। अगर वो दूसरे श्याम को उठाने का कोई प्रॉब्लम ना सेठ, तो अपन का बोलो, अपन उसको उठा के एकदम खलास कर डालेगा। क्या डॉक्टर, क्या कारीगर आदमी हो रे तू, तूने तो अपना एकदम चौका ही बदल डाला रे।